हेलो अरवेन वेलकम टू अप द न्यूज़पेपर ऑफ़ इलेवेंथ ऑफ जुलाई स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन व्हाई इंडिया नीड्स अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई तो पहले है क्या वो इट इज अ इंडेक्स विच कैप्चर्स द चेंजेस इन प्राइजिज फ्रॉम द प्रोडूसर साइड फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री गेट में जो प्राइस होता है वहाँ से जो स्टार्ट होता है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ट्रांसपोर्ट ट्रेड मार्जिन एन अदर थिंग अब पीपीआई को बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की डब्लू को रिप्लेस करेंगे पी पी आई से ऐसा क्यों है तो डब्लू में ओवरऑल सर्विसेज होता नहीं है डब्लू में एक तरह से वो होलसेल के तरफ से पर्सपेक्टिव से लेकिन प्रोड्यूसर की तरफ से नहीं है ऐसा और दूसरा कि सी तो कंज्यूमर तरफ से है ही तो वी नीड समथिंग विच इज़ फ्रॉम द प्रोड्यूसर परस्पेक्टिव प्लस जी डी पी डिफेक्टर जो यूज़ करते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप कौन कौन से सर्विसेज को इंक्लूड करोगे या फिर प्रोड ट्रेड को इंक्लूड करोगे तो वो नहीं आता है इसमें तो डब्ल्यू पी आई से अगर पी पी आई में अगर जाएंगे तो ओवरऑल जो चेंजेस इन जी एस टी रेट होगा कुछ वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा डब्ल्यू पी आई लेकिन इफेक्ट पड़ता है डब्ल्यू पी आई डज नॉट कवर प्राइस ऑफ सर्विस जो सिक्सटी परसेंट ऑफ जी डी पी है और दूसरा चीज़ की डिफरेंस इन जीएसटी रेट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल एट स्टेट लेवल इसके कारण क्या होता है कि डब्ल्यू पी आई चेंज होते रहता है लेकिन इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं होगा तो कम से कम पीपीआई की तरफ से पता चलेगा पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ पर उनको क्या प्रॉब्लम है वो लग सकते तो इंडिया में सीपीआई है इन्फ्लेशन सी इन्फ्लेशन है डब्ल्यू पी आई है और अभी पीपीआई का बात कर रहे हैं एक और एक ऑल्टरनेटिव होता है वो जी डी पी डिफ्लेटर होता है सबसे ज्यादा वाइड जी डी पी डिफ्लेटर होते हैं क्योंकि वो हर एक चीज इंक्लूड होता है जो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है बाय नॉर्मिनल जी डी पी बायल जी डी पी इनका फॉर्मूला होता है सी इन्फ्लेशन जिसको इंक्लूड किया गया है इंडिया में सीपीआई कंबाइंड रूरल और अर्बन के लिए दोनों के लिए उसका कैलकुलेशन भी एक तरह से यूज होता है फॉर द हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर द फूड इन्फ्लेशन फॉर फ्यूल हेडलाइन और कोर दो टाइप का सीपीआई होता है लेकिन इट इज फ्रॉम कंज्यूमर लास्ट माइल के लिए जो कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है वो इन्फ्लेशन है तो सीपीआई फेम थ्री में स्पार्क चार्जिंग कट आउटले तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इस फेम जो है वो एक क्यों लाया गया था फास्टर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए लाया गया था इंडिया में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडोप्शन वो बढ़ते रहे फेम वन लाया गया फिर फेम टू लाया गया फिर फेम थ्री लाया गया तो फेम वन फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक्स अबाउट प्राइवेट व्हीकल्स उसका एडोप्शन फेम टू बात करता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव फेम थ्री पब्लिक चार्जिंग फैसिलिटीज और बाकी सब एरिया मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इलेक्ट्रिक उसको इन करते प्राइवेट क्रेडिट बूम्स बट मिस प्राइसिंग ऑफ रिस्क प्राइवेट क्रेडिट मार्केट इंडिया में इंक्रीज करतेवरऑल न्यू प्लेयर्स इन प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर इज इंक्रीजिंग दे आर अवेलिंग टू एक्सेप्ट लोअर रिटर्न टू गेन मार्केट देयर हैज बी इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन विच इज रिलैक्स अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिस्क प्राइवेट क्रेडिट फ्लो इंडिया में कितना बढ़ा था पॉइंट एट बिलियन टॉ जी सी सी इस की वर्ड को लिख लेना जी सी सी इसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऐसे एक एमएनसी होता है एक जीसीसी इसका मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो कंपनीज है उनके जो है उनके जो बड़े बड़े जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो ग्लोबली प्रेजेंट है तो क्या हम लोग साइबर क्राइम के हिसाब से जो वर्ल्ड वाइड साइबर क्राइम केसेस बढ़ते रहता है, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ग्लोबली क्योंकि कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम एक्सपेक्टेड टू रीच फ्रॉम नाइन ट्रिलियन टू थर्टीन ट्रिलियन इंडिया में भी अलग अलग एरिया में देखा है कि साइबर क्राइम हुआ है राइट फ्रॉम फ्रॉड और फिशिंग एक्टिविटी जो डेटा दे सेम फ्रॉड होता है वो अलग फ्राइट साइबर क्राइम है उसके बाद फिर डॉक्सिंग डौक, बुलिंग वो अलग हो गया डेटा प्राइवेसी का अलग हो गया फिर लीकिंग द इंफॉर्मेशन आधार कार्ड के आधार कार्ड वो हंड्रेड मिलियन आधार कार्ड वो सोल्ड इन डार्क नेट कोविन ऐप के अंदर में डेटा लीक हुआ था उसके अलावा फिर अभी ज़ोमेटो के डेटा लीक हुए और भी एरियाज़ तो वो भी एक अलग साइबर है। प्लस कुंडम कुलम बहुत साइबर थ्रेट कुछ उस समय से दो साल पहले नॉर्थ कोरिया ने किया था फिर दे वॉज अटैक ऑन मुंबई पावर ग्रिड वो भी एक हुआ था तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम ऑन द प्राइवेट सेक्टर हैं एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर विल इंक्रीज और इंक्रीज होते जा रहा है तो क्या चाहिए तो ओवरऑल स्किल टैलेंट चाहिए डिजिटल वर्क फोर्स चाहिए हर एक फील्ड में सर्टिफिकेशन करियर डेवलपमेंट साइबर सिक्योरिटी इन्वा उसके हिसाब से आपके पॉलिसीज और डेटा मैनेजमेंट चाहिए रेगुलेटरी मेकानिज्म होना चाहिए इंडिया में जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो गया फिर कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर भी चैलेंजेस आ रहा है तो आप ऑनलाइन बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन मांग सकते हो तो जी सी सी कैन एस्टेब्लिश टॉप साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर उनके पास ग्लोबल लीडरशिप है एमएनसी ऐसा प्रेजेंस है तो वो हेल्प कर सकते हैं जीसीसी सी क्या जो यू ट्रेड बैरियर इट इज वॉयलेटिंग द स्पिरिट ऑफ डब्लू टी ओ क्वेश्चन होता है बिकॉज बेजिंग और चाइना इज एलिजिंग दैट ईयू इज टेकिंग मेजर ऑन द बिहाफ ऑफ यूएस तो थर्टी सेवन परसेंट कार एक्सपोर्ट पर लगा था जो बेटे हंड्रेड परसेंट टैरिफ इंश्योर कर रहा है तो चाइना बात कर रहे हैं कि ईयू अगर का स्टेप अगर इलीगल होगा तो दे विल आल्सो रिकमेंड फॉर रिटेलिटरी मेजर तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म आने वाले समय में जो एक क्वेश्चन उठता है कि देर इन ट्रेड प्रोटेक्शन इज और आई टी फॉर्म्स गेन विद जनरेशन ए बट फुल मोनोटाइजेशन स्टिल फॉर अवर आई टी कंपनी इंटीग्रेट होता है जे एन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे अमेजन में अगर जाओगे तो अमेजोन में कोई प्रोडक्ट खरीदोग नीचे में कस्टमर का फीडबैक होता है उसमें अलग अलग एरियाज़ पर होता है कि वो चीप था अफोर्डेबल था क्वालिटी कैसा था उस पर तो उसमें न एक समराइजेशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से ओवरऑल जो कितना भी आपने फोर पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट जितना भी दिया है उसको एक समराइज किया तो वैसे आई सेक्टर टी हो गया इन्फोसिस हो गया ई कॉमर्स हो गया अलग अलग एरियाज़ में दे हैव इंटीग्रेटेड ए फील्ड में लेकिन मोनेटाइजेशन ओवरऑल बचे मोनेटाइजेशन मतलब आप उसके हिसाब से आप फॉर एग्जांपल जेनेटिक वे वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं डेटा सेट मैनेजमेंट में एक्सेल सीट बनाने में या फिर उसके अंदर में एडोबी यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग ऑफ फोटोशॉप एक्टिविटी ब्लेंडर यूज करते हैं तो क्रिएटिंग टू क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ एनिमेशन तो कहाँ यूज़ कर रहे हैं तो उसको करना बचा जी क्वेश्चन उठता है एडोप्शन पर स्ट्रीमलाइनिंग पर बात करता है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा इट है जनरेट थ्री मिलियन कोड यूजिंग गेट हब एंड को पायलट टेक माइंड ऑल्सो इंक्रीजिंग इंप्रूवमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या लॉन्ग टर्म में जॉब क्राइसिस होगा लॉन्ग टर्म में क्या जो आई टी सेक्टर में जो टेक्निकल फील्ड है वहाँ पर जो एबजन रहता है टेक्नीशियन का वो नहीं हो पाएगा तो इसीलिए यहाँ बात होता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल क्रिएटर मोस्ट ऑफ द जॉब ऑफ द यंग वर्कफोर्स तो ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया में वी शुड फोकस मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पर अभी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेकओवर करना तो वर्क फोर्स को और ट्रेन कर सकते एक समय सिविल इंजीनियरिंग और मैकेल इंजीनियरिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा था हाई था नाइनटीन में फिर अचानक से कंप्यूटर इंजीनियरिंग आया एम एन सी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ई अब वापस से हो सकता है कि जो कोर एरिया है वहां पर फोकस ज्यादा इन ऑस्ट्रिया प्रियम रेट्रीट लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ अनएक्सेबल तो थ्री एरियाज है पहली बार ऑस्ट्रिया इज नॉट पार्ट ऑफ नैटो और वो इज नॉट पार्ट ऑफ नैटो लेकिन यूरोपियन लीडर है यूरोपियन यूनियन के अंदर में तो इससे क्यों मिले ताकि एक नॉन नेटो प्रेजेंस और उनका अलायंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि नेटो इज सिंगल लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस और वो धीरे धीरे एंटी रशिया बन रहा है इंडिया नहीं चाहते कि एंटी रशिया बने क्योंकि रशिया का होना और इंडिया का होना एक मल्टीलैटरल अलायंस को वाइब्रेंट बनाने का एक ओवरऑल कदम रहता है इसलिए इंडिया और ऑस्ट्रिया बात करते हैं रिगार्डिंग डिप्लोमेसी हर एक एरिया बात किया मिडिल ईस्ट से बात हुआ और एक तरह न्यूट्रल कंट्री इंडिया ने बात किया कि न्यूट्रल कंट्री में जाकर के नेगोशिएशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया टाइप टीन एनर्जी जर्नी गेनिंग मोमेंटम इंडिया कैन अचीव वन टेरा वोट कैपेसिटी बाय ट्वेंटी थर्टी फाइव वन टेरा वॉट कैपेसिटी फाइव हंड्रेड गीगा वॉट इंडिया का टारगेट है ट्वेंटी थर्टी तक पूरा होगा तो ओवरऑल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी दोनों मिलाके के वन टेरा वॉट कैपेसिटी बढ़ा सक, कर सकते। अभी कितना अभी थ्री हंड्रेड फिफ्टी के आसपास है जितना जो स्टैब्लिश कैपेसिटी फाइव हंड्रेड वोट थर्टी फाइव तक हम लोग वन टेरा वोट कर सकते हैं क्लीन एनर्जी बढ़ जाएगा तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या है तो इसको लिख लेना लैंड एक्वेशन, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसमें समय लगता है कभी कभी दस साल भी लगता है डेफोर बेस्ट लैंड इंडिया में जो वेस्ट लैंड है और जहाँ पर अनप्रोडक्टिव लैंड है उसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड द आरई प्रोजेक्ट जहां पर फॉर एग्जाम्पल थार एरिया में कोई लैंड हुआ उसको हम लोग सोलर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं तो देन सेकेंड इज इंपॉर्टेंट विथ डायरेक्ट करेंट पावर इवेक्एशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कैसा है फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिनोवर एनर्जी यूज़ किए राजस्थान में वहाँ पर डोडो का डेथ होना क्योंकि पावर ट्रांसमिशन वॉज ओवर द लैंड इट वॉज नॉट अंडर तो एक ये प्रॉब्लम होता है डीले एंड लाइन कमिशनिंग समय लगता है ओवरऑल सप्लाई करने के लिए पावर सिर्फ पावर नहीं है ना उसका एक पूरा लॉजिस्टिक इको सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए कैपेसिटर चाहिए तो एलाइड एक्टिविटीज जो पावर सेक्टर है ना उसमें चैलेंजेस है इंडिया पर तो ये लिख सकते हो इसको बढ़ाना चाहिए पॉलिसी कंसिस्टेंसी स्टेट लेवल पर सेंट्रल लेवल पर डिस्कॉम से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी उनका अपना एक एनपीए है उनका अपना चैलेंजेस है ग्रिड इंटीग्रेशन एंड स्टोरेज सोल्यूशन कैसे स्टोर करे आ रही है को रिन सोचना ये भी लिख लू क्या आप तो बात कर रहे हो प्रोडक्शन का लेकिन रात में जब प्रोडक्शन नहीं होगा सोलर पावर का तो आप स्टोर कहाँ करोगे तो बैटरी स्टोरेज तो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा जब फिजिकल स्टोरेज फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूज करेंगे इन द सैंड एक था फिर इसको लिथियम आयन बैटरी सोडियम आयन बैटरी या फिर लिफ्ट इरिगेशन तो लिफ्ट स्टोरेज कैपेसिटी जैसे पूछा बता है ट्रिलिम्स में तो बैरी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का लिखा ये लिखा हुआ है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन यही आंसर था उसका प्रीलिम्स में तो इसको बढ़ाना जरूरी होता है प्लस फाइनेंसिंग फाइनेंस कहाँ से मिलेगा क्योंकि तो डेवलप कंट्री जो है वो बात करते हैं बोलते हैं कि वन हंड्रेड बिलियन डॉलर साधार मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं मिल पाता तो कुछ बॉन्ड का बात होना चाहिए ग्रीन बॉन्ड हो गया और प्लस अलग अलग जो प्रोविजन है दूसरा बात होता है कि सेंट्रलाइज नहीं कर सकते इसको भी लिख में पैरल लिखने में जो भी एरियाज यहाँ कवर हो रहे हैं वो रिन्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी का पूरा ओवरऑल मेंशन है स्मॉल यार अब है कि एक सेंट्रलाइज प्रोडक्शन बात कर सकते है, कि हैं कि एनर्जी में सेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन फोकस मोर ऑन डीट्रलाइज मेथड कि आप रूफ टॉप सोलर पर फोकस करेंगे तो उससे इंसेंटिव मिलेगा लोगों को कि आप प्रोडक्शन करिए और जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं और दूसरा कि एक सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जा सकता है और ओवरऑल टारगेट अचीव कर सकते हो तो पीएम किसान एक हो गया जिसमें सोलार पंप का बात होता है एम सूर्योदय योजना होगा जिसमें आप सोलर कैपेसिटी बढ़ाने की बात करते हैं रूफ टॉफ सोलर कैपेसिटी तो इमेज ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अब मैन्युफेक्चरिंग रूनिवर्स एनर्जी तो बढ़ाएंगे आप डिसेंट्रलाइज भी कर रहे हैं आप ग्रीड भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन जो ओवरऑल जो कैपेसिटी है इट इज जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक और नॉट क्या बाहर से इम्पोर्ट कर रहे तो बिकॉज राइट नाउ वी आर डिपेंडेंट नाइन सेवेंटी परसेंट ऑन चाइना रिगार्डिंग सोलर वेफर तो इंडिया में होना चाहिए फीवर के लिए आपको सेमी कंडक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए सेमी कंडक्टर में मोरेगा हो गया और वहाँ पर दुधेरा में, में इन्वेस्ट कर रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे इंडिया में तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नॉन टैरिफ बैरियर ये सब अगर बढ़ाएंगे तब ओवरऑल इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो अच्छा इनोवेटिव इन बहुत वाइडर था देन इंक्रीज एक्सपेंडिचर और हेल्थ केयर सर्विस अप टू टू पॉइंट फाइव परसेंट और जीडीपी अभी टू पॉइंट वन परसेंट है उसको बोला जा रहा है टू पॉइंट फाइव तो करना चाहिए तो कितने सारे एरियाज हैं इसको बस की वर्ड लिख लो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर हो गया सेकेंडरी टर्शरी सब्सिडीज में और स्कीम्स में क्या दे रहे हैं पी एम जे ए वाई दे रहे हैं हम लोग एक हेल्थ अथॉरिटी बना रहे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बना रहे हैं फिर बात हो है हेल्थ केयर आईडी होना चाहिए कि कहीं भी इंडिया में जाकर के आप कर सकते हो इंश्योरेंस मॉडल पेनेट्रेशन इंश्योरेंस को आप पेनेट्रेट करो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए ज्यादा प्लस केयर में हम लोग मोर फोकस ऑन स्पेसिफिक फंक्शनल हेल्थ केयर फॉर एग्जाम्पल कैंसर रिसर्च प्रोग्राम एड्स रिसर्च प्रोग्राम फिर रेडियोलॉजी में इन्वेस्टमेंट उसके बाद फिर टीबी हो गया अलग अलग स्पेसिफिक डिजीज के अलग अलग हम लोग रिसर्च की बात कर सकते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आता है इसमें इन्वायरमेंट एनिमल एंड ह्यूमन वन हेल्थ कॉन्सेप्ट फिर बात करते हैं कि जो भी डिजीज अपकमिंग है उसको कैसे हम लोग रिसर्च करें तो एनआई का रोल आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का आता है तो अलग अलग एरियाज में हम लोग इन्वेस्टमेंट और फोकस करने की बात कर रहे हैं प्लस ये तो हो गया हेल्थ केयर का अब इसके बाद आता है केयरिंग इकोनॉमी का पैलेटिव केयर क्यूरेटिव केयर जिसको ऑलरेडी कैंसर है उसको कैसे केयर करें फिर अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग हेल्थ केयर में एक तरह से मेडिकल टूरिज्म कैसे बढ़ा सकते हैं वर्ल्ड वाइड फिर हम डोनेशन का बात होता है इसमें थोटा टी एच ओ टी टी ए गाइडलाइन का बात होता है जिसमें बात होता है नेशनल गाइडलाइन विद रिगार्डिंग टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन उसमें बात होता है देन इसमें न्यूट्रिशनल चैलेंज का बात होता है हेल्थ केयर में उसको अचीव कैसे कर सकते हैं फिर वैक्सीनेशन का बात होता है इंद्रधनुष मिशन के अंदर वैक्सीनेशन मिल रहा है मैटरनिटी मोर्टलिटी को कम कैसे करें चाइल्ड मोटालिटी फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग हेल्थ केयर बात की बात की वैक्सीनेशन बात की बात की प्रिवेंटिव चीज की रिलेटेड ऑल्टरनेटिव है कि तो आयुष का बात करते हैं इसमें उसको बढ़ाना चाहिए एक ब्रिज कोर्स होना चाहिए एलोपैथी और आयुष के बीच में बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर सके आयुष के डॉक्टर बाकी जो टेक्निकल स्किल जो एलोपैथी के पास है वो कर सके फिर उसी से रिलेटेड सबसे बड़ा एक एरिया कंसर्न रहता है वो है एजुकेशन फॉर एज एन स्कैम एम का रोल एम तो नहीं अभी अभी तो एन सी है नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी फिफ्टी परसेंट जो उनका मैंडेट है कि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में फीस को एक तरह रेगुलेट करेंगे ताकि सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी पार्टिसिपेट कर सके तो फीस का इशू है क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए पढ़ने का वो हो गया चैलेंजेस क्या पूरा सीट फिलअप हो रहा है नहीं हो पा रहा है इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं फिलीपींस जा रहे हैं पढ़ने के लिए मेडिकल सेक्टर में तो हेल्थ केयर जब बात करते हैं तो इट इज़ अब सो कंक्लूड गए थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गया प्राइवेट सेक्टर का रोल हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल वर्सेज पब्लिक हॉस्पिटल एजुकेशन हो गया जिसमें मेडिकल एजुकेशन हो गया जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है पब्लिक सेक्टर भी है इसमें आयुष भी है पैलेटिव केयर हो गया बाद का केयर क्यूरेटिव केयर बाद का केयर हो गया और उसके साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इसमें न्यूट्रिशन हो गया वैक्सीनेशन हो गया ताकि टीबी हो ही नहीं ताकि टेटनेस होए नहीं

प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल पी एल आई स्कीम एडवांस केमिस्ट्री के लिए एफ एम हो गया तो इंडिया का जरूरत नहीं कि बार खाली एक्सपोर्ट करने बात हो हम लोग कंज्यूमर भी बन सकते हैं मोस्टली और कंट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक हो गया जो एक डेढ़ लाख रुपए में आपको स्कूटर मिल जाता है वैसी एथर कंपनी हो गया ईवीज अलग अलग हो गया बनी बैटरी मैनुफक्चरिंग में भी इंडिया ज्वाइंट वेंचर का बात होता है बात करते हैं गुजरात में बात हो रहा है उड़ीसा में बात हो रहा है इन्वेस्टमेंट हुआ था बाई जी एस डब्ल्यू था इंडिया डेमोग्राफिक जर्नी हिट्स एंड मिसेस कैसे ओवरऑल एक जर्नी है जिसमें हम सक्सेस भी हुआ और जहां पर फेलियर भी हुआ पॉपुलेशन डायनेमिक इसको लिख लेना डेटा वाइज की थ्री पॉइंट फोर था पहले अभी टू

एजुकेशन फोकस करना चाहिए देन फिफ्थ वुड बी एच डी जी गोल पहले हम लोग बात करते थे नो पॉवर्टी जीरो हंगर गुड हेल्थ थ्री मोस्ट एच डी जी कोर ऑफ डेवलपमेंट है लेकिन हम लोग अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो ओवरऑल डेमोग्राफी डिजास्टर की तरफ जाएंगे क्योंकि पॉवर्टी हंगर और गुड हेल्थ बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर एग्जाम्पल फोर्टी एट परसेंट था मनरेगा का रूलनी सुरक्षा योजना का रूल आता है अलग अलग एरिया जीरो हंगर के लिए पोषण अभियान का रूल आता है आर टी आई के आर टी आई और एन एफ एस ए के अंदर में मिड डे मिलसेप्ट आता है प्लस मैटर मोटरिटी रेट ये डेटा इट हेज रेड्यूस फ्रॉम थ्री फोर थ्री हंड्रेड एट्टी 200 पिछले 20 ईयर्स में इन्फेंट मौतलिटी 66 से 25 पिछले 20 साल में लेकिन स्टिल इंडिया में इन्क्वालिटी है उसका भी डाटा दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट बात करते हैं टॉप 10 परसेंट है उनके पास 77 परसेंट है तो नेशनल वेल्थ पे टॉप 1 परसेंट है उसके पास 40 परसेंट है तो नेशनल वेल्थ है ग्लोबल हेल्थ में हम लोग एक सौ ग्यारह रैंक में हेल्थ हंगर इंडेक्स में एक सौ ग्यारह रैंक और एक सौ पच्चीस न्यूट्रीशन स्टंटिंग वेस्टिंग सब आज भी है प्रोटीन डिफिशियंसी है इंडिया में नॉन कम्युनिकल डिसीज बढ़ते आ रहे है ओवरऑल नॉन कम्युनिक कैसे बढ़ते आ रहे, रहे है पॉल्यूशन के कारण एयर पॉल्यूशन है बड़े बड़े सिटीज में तो क्या बात कर सकते हैं ओवरऑल कि हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं यंग पॉपुलेशन के लिए यूथ के लिए हम लोग बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया फोकस कर सकते हैं अटर जो तो पॉवर्टी उसे रिमूव कर सके फॉर एग्जांपल आवास योजना हो गया हेल्थ केयर स्कीम जे हो गया मंडेगा हो गया इन मिशन इन हो गया पोषण हो गया एक्सेट्रा अच्छा। मल्टी सेक्टरल के कोलेबोरेशन और पॉलिटिकल विल रहेगा तभी हम लोग एसडीजी गोल अचीव कर सकते हैं गिग वर्कर से रिलेटेड कर्नाटक में बिल आ रहा है तो की हाइडेट किया गिग वर्कर बिल कंप्लेन करना है आपको ये मत लिखना वी हैव डिस्कस्ड फोर्टीन डेज पहले आपको बोलना पड़ेगा अगर किसी को रिमूव करना होगा सेकंड इंडिया ग्रीक वर्कर ओवरऑल बढ़ते जा रहे सेवनटी सेवन लाख थे इंडिया हैड सेवेंटी सेवन लाख वर्कर जो बढ़ते जाएंगे और फोर पॉइंट वन परसेंट ऑफ द टोटल इनकम हो जाएंगे तो राइट बेस्ड बिल बिल है उन पर वेलफेयर फंड रहेगा जिसमें उनको एक सपोर्ट मिल सकता है सोशल सिक्योरिटी नेट मिल सकता है हायरिंग एंड फायरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा प्रो गिग वर्कर होंगे प्लस उसमें यूनियन का कॉन्सेप्ट आएगा उसके बाद रेडरेशन मेकानिजम का एक कमिटी होगा जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हो तो कोड ऑफ सिक्योरिटी बिल पहली बार हाईलाइट किया था गिग वर्कर को प्रोटेक्ट करना तो वेलफेयर बोर्ड फंड अलग अलग एरियाज हो गए पेंशन का बात हुआ सोशल तो सिक्योरिटी नेट का बात हुआ The lack of former economy रहते, जल्दी जल्दी अप, अपने जो रिसोर्सेस को यूज करना और कपड़े चेंज करना विद्रेंड्स करेंट ट्रेंड्स अलग अलग ट्रेंड हो रहे इंस्टाग्राम रील्स में या फिर बाकी जगह पर तो फास्ट फैशन से प्रॉब्लम क्या होता है उतना कैपेसिटी नहीं तो कैपेसिटी भी है तो ओवरऑल उसको फेंक दिया जाता है रीयूज नहीं किया जाता तो एक्जाम्पल ट्वेंटी सिक्स मिलियन टन ऑफ क्लोथ थाच टाइल टन और वर्ल्ड वाइड में ट्वेंटल खाली रिसाइकिल हो रहा है चाइना में ट्वेंटी सिक्स मिलियन टन क्लोथ अठारो अवे और चीप क्लोथ दे आर अन चीप क्लोथ है उसमें क्या होता है असली क्लोथ कॉटन क्लोथ होता है उसको उसको जो स्वेटर आएंगे वो पंद्रह सौ दो हज़ार चार हजार आठ हज़ार रुपया आ सकता है असली जो भूल के आएंगे स्वेटर लेकिन जो स्वेटर पहनते हैं उसमें मिक्स रहता है तो उसमें फिफ्टीन हंड्रेड क्या लेकिन जो चाइना की बात हो रहा है इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट में और कम लगता है पाँच सौ चार सौ सो में स्वेटर मिलता है चार सौ सो में स्वेटर क्या दे सकते हैं तो आप सिंथेटिक मटेरियल का यूज होंगे रायोन से लेकर के नाइलोन से भी यूज होंगे तो अब उसको भी नहीं कर सकते तो वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है एयर पोल्यूशन होता है बर्निंग ऑफ के कारण पोल्यूशन होता है तो सर्कुलर सस्टेनेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बात किया गया कि हम लोग वेस्ट को कैसे रिमूव कर हटा सकते हैं तो वी, तो इसको लिख लो वी मस्ट प्रम, प्रमोट सर्कुलर सस्टेनेबिलिटी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे रिसाइकलेबल फाइबर्स को यूज करना चाहिए पहला स सेकेंडरी रीमेड क्लोथिंग बिजनेस फोकस कर सकते फॉर एग्जाम्पल ओल्ड कपड़े हैं उसको ब्लीच करके उसे दरी बन सकता है जो बेचा जाता है सेकेंडली पोछा बन सकता है ओवरऑल तो रीमेड क्लोथिंग बिजनेस से फोकस कर सकते है सेकेंड रिसाइकल मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं कभी तो हो सकता ऑल्टरनेटिव हो सकता है इसमें भी We can take up in the next session.